आपको शायद पता होगा कि डॉक्टर्स इन्फेंट्स के डाइजेस्टिव सिस्टम में रहने वाले वर्म्स को मारने के लिए डिवर्मिंग मेडिसिन देते हैं। वेल, मैंने भी ये मेडिसिन ली हैं। ये डिवर्मिंग टैबलेट्स यूजुअली ह्यूमन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को इन्फेक्ट करने वाले वर्म्स को किल करने के लिए दिए जाते हैं। ये वर्म्स फाइलम एस्केलमिंथेस या निमेटोडा के मेंबर हैं और आज के सेशन में हम इस फाइलम के बारे में जानेंगे। हेलमिंथेस का मतलब वर्म्स है और इस फाइलम के सभी मेंबर्स वर्म लाइक हैं। निमेटोडा वर्ड एक ग्रीक वर्ड निमेट से आता है जिसका मतलब थ्रेड है। इस फाइलम के ज्यादातर मेंबर्स नेकेड आई से टाइनी और थ्रेड लाइक दिखते हैं। निमेटोड्स के मेंबर्स को राउंड वर्म के नाम से भी रेफर किया जाता है। ये नाम एक्चुअली एक्यूरेट है क्योंकि ये एनाटॉमिकली राउंड और पाइप लाइक होते हैं और अगर आप इनका क्रॉस सेक्शन लें तो आपको एक सर्कुलर स्ट्रक्चर मिलेगा। अब इनके हैबिटेट के बारे में बात करते हैं। इस फाइलम के मेंबर्स नेचर से पैरासिटिक होते हैं और ये एक्चुअली एंडो पैरासाइट्स हैं जो होस्ट की बॉडी में रहते हैं और उनसे न्यूट्रिएंट्स लेते हैं। इनफैक्ट इनमें से कई ह्यूमन पैरासाइट्स भी हैं, लेकिन इस फाइलम के कुछ फ्री लिविंग एक्वेटिक या टेरेस्ट्रियल मेंबर भी होते हैं जैसे सी एलिगेंस। अब उनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करते हैं। निमेटोड्स में 3 डिस्टिंक्ट जर्म लेयर्स हैं और इसीलिए ये ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स हैं और इस फाइलम से ही सीलोम का एवोल्यूशन शुरू हुआ। पर ये सीलोम या बॉडी कैविटी कम्प्लीटली डेवलप नहीं हुई और इसीलिए किंगडम एनिमेलिया में यही सिर्फ एक फाइलम है जिसमें पॉल सीलोम या सीडोसीलोम प्रेजेंट है। उनके स्ट्रक्चर्स को देख के क्या आप बता सकते हैं कि उनकी बॉडी सिमेट्री कौन सी है? हाँ, इनमें बाइलेटरल सिमेट्री है क्योंकि ये लॉन्ग और सिलेंड्रिकल हैं। इनमें एक रूडिमेंट्री डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है, इसीलिए इनका ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है। निमेटोड्स यूजुअली सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म शो करते हैं जिसका मतलब स्पीशीज के मेल और फीमेल मेंबर्स अलग अलग दिखते हैं। इसे एस्कैरिस के एग्जाम्पल से समझते हैं। इसमें मेल्स यूजुअली स्मॉलर साइज के होते हैं और उनकी टेल कॉइल्ड होती है, जबकि फीमेल्स लॉन्गर होते हैं और उनकी बॉडी स्ट्रेट होती है। जैसा कि मैंने पहले मेंशन किया, इस फाइलम के ज्यादातर मेंबर्स ह्यूमन पैरासाइट्स हैं, तो अब उनके बारे में जानते हैं। फिलेरियल वॉर्म्स जैसे वुकेरेरिया फिलारियासिस डिजीज कॉज करते हैं। फिलारियासिस को कॉमनली एलिफेंटियासिस भी कहा जाता है क्योंकि उनका एक लेग इन्फेक्शन के बाद स्वेल होके एलिफेंट लेग जैसा दिखता है। इस फाइलम के बाकी मेंबर्स जैसे एस्कैरिस या राउंडवर्म, हुकवर्म और पिनवर्म्स भी ह्यूमन पैरासाइट्स हैं जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को डैमेज करते हैं। ये पैरासाइट्स यूजुअली अनहाइजीनिक लिविंग हैबिट्स की वजह से और पुअरली कुक्ड फूड कंज्यूम करने से स्प्रेड होते हैं। तो अगर हम प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करें और हेल्दी फूड कंज्यूम करें तो इन डिजीजेस को कम्प्लीटली अवॉइड कर सकते हैं। इसीलिए निमेटोडा या एस्केलमिंथेस के बारे में जानना जरूरी है। आज जो हमने सेशन में भी सीखा, अब उसका रिकैप करते हैं। फाइलम निमेटोडा या एस्केलमिंथेस के मेंबर्स को राउंड वर्म कहते हैं क्योंकि उनकी बॉडी का क्रॉस सेक्शन राउंड होता है। इस फाइलम के मेंबर्स यूजुअली पैरासिटिक हैं, लेकिन कुछ एक्वेटिक या टेरेस्ट्रियल फ्री लिविंग भी होते हैं। सीलोम का एवोल्यूशन निमेटोड्स में शुरू हुआ लेकिन पार्शियली, और इसीलिए इनमें सीरोसीलोम या फॉल सीलोम प्रेजेंट है। ये ट्रिप्लोब्लास्टिक और बाइलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं जिनमें ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। निमेटोड्स यूजुअली सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म शो करते हैं और स्पीशीज जैसे एस्कैरिस में मेल्स फीमेल से शॉर्टर होते हैं। निमेटोड्स के बहुत सारे स्पीशीज ह्यूमंस में डिजीजेस कॉज करते हैं जैसे एलिफेंटियासिस डिजीज। निमेटोड रिलेटेड डिजीज अनहाइजीनिक लिविंग हैबिट्स की वजह से और पुअरली कुक्ड फूड कंज्यूम करने से स्प्रेड होती है। आई होप आपने ये सेशन एंजॉय किया होगा। मैं आपसे नेक्स्ट सेशन में मिलूंगी। तब तक स्टे क्यूरियस एंड कीप लर्निंग।